सरस्वती भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से मालती ने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए सरस्वती दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर मालती ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही सरस्वती मालती के पास गई और बोली, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। सरस्वती का कहना सुनकर मालती मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। ये सुन के सरस्वती का मन उदास हो गया। फिर सरस्वती धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं? मालती गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर मालती किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ वो चावल एक थाली में परोसकर सरस्वती के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पस लेकर मालती घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे तभी भी वो खराब हो गए थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। सरस्वती ने गुस्से से वो चावल डस्टबिन में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाए और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। मालती ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती है। दूसरे दिन सुबह सरस्वती अपने रूम में बैठी थी, उतने में उसका बेटा रमेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है, ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। सरस्वती बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद रमेश गला साफ करते हुए बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा, उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। सरस्वती चौंक गई और बोली, पर वो रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? रमेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर ही रहती है ना, जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना, वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? सरस्वती कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर रमेश बोला, नहीं माँ वो रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वो अपने मेहमानों के लिए रखा है, तुझे तो अच्छे से पता है कि मालती के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। सरस्वती सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए रमेश ने जो कहा उस पर सरस्वती ने ज्यादा विरोध नहीं किया, उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था, तब भी वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम अशोक था, एक एनजीओ में काम करता था। वो हर रोज मालती और रमेश सरस्वती के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था, वो देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे सरस्वती अशोक को अपने बेटे जैसा मानने लगी। अशोक भी आते जाते सरस्वती का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। रमेश और मालती को सरस्वती से कुछ लेना देना नहीं था, मालती बचा हुआ खाना उसके थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसके तरफ देखता भी नहीं था। सरस्वती तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के दो टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी सरस्वती को बहुत रोना आता था। सरस्वती अशोक को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था, जब वो काम करने में असमर्थ हो गए तब रमेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। ये बातें रमेश के मन को बहुत लगी। जब तक पति घर चला रहे थे रमेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वो चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो रमेश पैसे बचने चाहिए इसलिए रमेश आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब रमेश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे,
लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। सरस्वती बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और रमेश के कमरे का दरवाजा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर लिया था। सरस्वती रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही, कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी बाफ स्टीम दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी की मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। मालती तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का लगा सिर्फ सरस्वती को, पर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। सरस्वती के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके ओट थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जवाबदार हो। पर वो कुछ बोल नहीं पाई, क्रियाकर्म कर दिया गया। सरस्वती के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, रमेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मालती और रमेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। सरस्वती को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वो उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उसका मन उसे अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार अशोक उसके पास आया और सरस्वती को कुछ बातें उसने समझाई। वो बातें सुनकर सरस्वती के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह सरस्वती मालती और रमेश के पास आए और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। सरस्वती का कहना सुनकर मालती बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में सरस्वती ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, रमेश तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और मालती तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी सब बातें सुन ले। और सरस्वती हंसकर बोली, ये बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे, ये मेरा आखिरी निर्णय है। ये सुनकर रमेश और मालती दोनों ही चौंक गए। रमेश और मालती एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि सरस्वती घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको सरस्वती की जवाबदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। सरस्वती का कहना सुनकर रमेश गुस्से से बोला, माँ तेरा दिमाग तो ठीक है ना, इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। सरस्वती गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया, तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। रमेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ मुझे माफ कर दे, हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? सरस्वती ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर अभी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं, फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर सरस्वती अपने रूम में चली गई। रमेश और मालती शांत सरस्वती को जाते हुए देखते ही रह गए। सरस्वती ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। अशोक की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के लड़कों ने बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।